सत्ता पर जाएगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त जो होगा इस हुकुमरानी इस जम्मू कश्मीर में निज़ाम साहब मैं वेलकम करता हूँ निज़ाम साहब को, और हकीकत में ये घर वापसी है। निज़ाम साहब की गोद में पले हैं हम। मैं स्कूल में तब पढ़ता था जब निज़ाम साहब, लोन साहब मरहूम, शमीम साहब और ये बाकी सारे लोग, इवन बेग साहब बाद में, जब गांव-गांव मौली साहब, मौली इफ्तिकार साहब, वो तो फाउंडिंग चेयरमैन, जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको देखता था रात को आते हुए, रात के 1 बजे 2 बजे थके हारे ये यूनिट बिल्डिंग करते थे, बाकी चीज़ें करते थे। और उसके बाद ये कुछ देर सहाफत में गए, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रहे, तो बिलहाल ये अब घर आए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि शायद ही वो कोई हफ्ता रहा होगा इस सारे दौरान कि हम चाचा भतीजा कभी फ़ोन पर बात ना की हो या कोई चीज़, हमारे जो सोशल ताल्लुकात ऑल थ्रू दिस टाइम वो बरकरार रहे। हमारे कोई निजी मामलात होते, कुछ होते तो मशवरा निज़ाम साहब से करते, तो ये अपने घर ही आ रहे हैं। और बिलखसूस सबसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा खुश जो हमारे पुराने वेटरन वर्कर्स हैं अपने नॉर्थ कश्मीर में, उनके लिए मान ली ईद आ गई है कि उनके निज़ाम साहब वापस आएंगे, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी वहाँ आएँ, इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा वेलकम इनको दें। और पुरानी तरीके से वो इनके साथ रात भर बैठ कर अपना दरबार है, तो मैं फिर एकदम बार वेलकम करता हूँ निज़ाम साहब को। और इंशाल्लाह इसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, जो इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, आप मैस अपील जो इनकी मैस अपील जो है वो छोड़ दें, वो तो एक तरफ है, वो तो किसी को भी, लेकिन व्हाट ही ब्रिंग्स अपार्ट फ्रॉम मैस अपील इज़ हिज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, हिज एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ और कनेक्शन विद द मैसेस। सो ही विल इंशाल्लाह प्ले अ ग्रेट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग इन स्क्रिप्टिंग आवर वर्शन ऑफ फ्यूचर फॉर द पीपल ऑफ J&K। इसी मेम्बरान भी इनके साथ हमरा हैं, ये भी शामिल हो रही हैं, मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। बाकी ये जैसे अगर किसी को कोई और पावर के लिए आप यहाँ आए, आज दोबारा आप वहाँ छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, इज इट फॉर पावर, लस्ट ऑफ पावर या सिचुएशन, या डू यू एग्री माय क्वेश्चन इज नॉट whether he is have all others failed and surrendered, so you mean that he is contented, very nice। भैया मैंने ये जब निकले, ये नहीं ये कभी निकले नहीं है पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, उस दिन ये जर्नलिज्म में गए थे, ही डिड नॉट गो एनीवेयर फॉर पावर। सुनो, 15 साल उधर सुनो, मुझे माफी देना, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, वी आर ग्रेट रिगार्ड्स फॉर यू सर। मैंने फैसला किया था, अब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, एक सेकंड मैंने फैसला किया था मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुनासिब नहीं होता है बातें करना, एक छोटा आदमी हूँ, एक वर्कर हूँ, हर वक्त कश्मकश की है जहाँ भी रहे, आई नेवर बी इन पार्ट ऑफ एनी पावर फॉर ऑल माय लाइफ एक्सेप्ट आई वाज एन एमएलए इन अपोजिशन, नॉट बीन पार्ट ऑफ पावर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वही कंटेस्ट किया, संघर्ष किया, लोगों की डिसेंट वॉइस को आगे चलाया, जिन लोगों का समझा कि वक्त की जरूरत पूरा कर सकते हैं उनकी सहायता की, उनकी मेहनत समाजत भी रही होगी, ठीक है, लेकिन ना हम किसी से सवाल करेंगे ना हम किसी से शिकवा करेंगे, जैसा सजाद साहब ने एक लफ्ज में कहा, कुल्लु शायुन यरजू इला हस्सी, मैंने अपने खून से, अपनी जवानी के पसीने से इस पार्टी की एक एक ईंट बनाई है, और आप गवाह, नोलाभ हो करना हो आपका सारा कुपवाड़ा, मेरे बगैर कोई जलसा नहीं होता था वहां, मैं एक एक वर्कर को जो भी आज जिंदा है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का उसका घर भी जानता हूं, उसका चेहरा भी पहचानता हूं, उसका नाम भी याद, उस कनेक्शन को तोड़ के कहां जाते हैं आप, जब एक कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स का नया दौर शुरू हो, आपको द जर्नलिस्ट शुड रियलाइज द थ्री मेन स्ट्रीम पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड PDP आर स्ट्रगलिंग टू सी कश्मीर रिगलिंग आउट ऑफ द मोरेस
it has been thrown in. I keep no bone. But the question is of credibility, sincerity and commitment. तीन में से कौन उतरता है वक्त बताए. And I have decided that he is one who can honestly and sincerely, without any paradoxes, lead the people of Jammu and Kashmir. Nizam sir, you returned to People's Conference today. Do you think that the present political scenario situation in JNK में है? इसमें एक नया political alternative आपको लग रहा है कि एक ही विकल्प है, इसीलिए आप People's Conference दोबारा वापस लौट रहे हैं और कई ऐसे लोग भी People's Conference. ध्यानदारी से कहूँगा, आप मेरे लिए बड़ा एजेंडा छोड़ रहे हो. ज्ञानदारी से कह रहा हूँ. दफा ध्यान तो तकार से अगर गुर्त चलान से ना सुखी वह पानी निगी पड़वा कश्मीर. ये मेरे दिल की तमन्ना थी कि जिस घर को मैंने बनाया है, तिनके जमा किया है. यू विल नॉट बिलीव, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कशिर पर तुमने बवाने खुदाई कर मशवर पूछ लो जो क्यों कर परेशान थे तुम्हें खुदाई का था मैंने मिज क्या तुम्हें घास तुल तुल छिड़ा ये घर बनाऊ कलाकार इस घर पर खुदा रूजी रजा के सलाम सर. लास्ट के सारे पार्टी छोड़ चुके हैं. मेरा सवाल था पॉलिटिकल सिचुएशन का जो कि आपको लगता है कि एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव होने की जरूरत है और क्यों लगता है आपको ये सवाल है. एक मिनट बोलना है यार. एक चीज सुन लो नया. ये कब बना रहे थे पार्टी 45 ईयर ओल्ड. आप जो कह रहे हैं मैंने अपनी तकरीर में कहा दिस इज द पार्टी विच इज सेवरल सेक्रीफाइसेज इन इट्स नेम जो लोगों की नजर में नहीं है. बट भाई इट टुक 1.5 ईयर आपको बाप का जब जब कुर्बानियां देनी होती जब फैसला लिया जाता है तो हमारे हम प्रसुमान सर आपसे ये जानना चाहेंगे सर जब भी आपके सहयोगी पीडीपी के जो लोग थे उन्होंने जब पार्टी छोड़ी या आपकी तरह जब वो घर वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि हमें ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी है, हमारी डिसक्रेडिबिलिटी हो रही थी, हमें क्रेडेंशियल्स नहीं मिल रहे थे, पार्टी में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी. क्या यही वजह है आपकी? मैंने कुछ ऐसा कहा क्या? घर वापस आ मैंने कुछ ऐसा कहा भाई? हम जानना चाह रहे हैं आपसे. नहीं नहीं, आई हैव नो कंप्लेंट्स वेयर आई वाज. दे गिव मी एनफ रिस्पेक्ट. व्हाटएवर आई डिजर्वड आई गॉट इट देयर. आई विल कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट देम. बट आई सी my home east or west home is the best. आपने एक सवाल दो दिन पहले बात हुई कि आजकल लोग आ रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जो चीजें हो रही हैं कश्मीर में, ये कश्मीरी मुसलमानों को बांटने के लिए की जा रही है. क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? देखो यार, मैं आपको एक बार पहले तो हम इसका 45 ईयर्स ओल्ड. सो नोबडी कैन से कि हम कल हमको कल किसी ने बनाया. हम विक्टिम रह चुके हैं पास्ट में, राइट. बाकी मैंने भी वो देखा, उनने बोला कि मुसलमान वोट को तोड़ा जा रहा है. अगर उनको ऐसा लगता है तो वो हमें सपोर्ट करें, वो ना लड़े. मुसलमान वोट नहीं बढ़ जाएगा. उनके डैडी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा भी चीफ. आज अगर गरीब का बेटा बन जाए, मैं नहीं, चलो निजाम साहब को बनाते हैं, इमरान साहब को बनाते हैं, तो क्या कोई हर्ज करे हमें सपोर्ट? मैं पट्टे पर लिख कर दूंगा जो वो बोलेंगे मैं वही करूंगा. अगर उनको मुसलमान वोट टूटने से बचाना है, करें सपोर्ट, हम सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं.